हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आदित्य शर्मा और स्वागत है आपका इस न्यू ब्लॉग में। सो जब हम तरुण को इस सुलभ म्यूज़ियम में लेके गए तो तरुण तो एकदम शौक हो गया था। तो तरुण को ये म्यूज़ियम बहुत अच्छा लगा, तरुण को खासकर एसी अच्छा लगा। तो टॉयलेट म्यूज़ियम नहीं भाई, टॉयलेट एसी करवाना तो अलग ही हो, क्योंकि वहाँ पे एसी ज़्यादा लगे थे। एक कमरे में चार चार एसी लगे थे, इसलिए तरुण को एसी ज़्यादा अच्छा लगा, टॉयलेट से ज़्यादा एसी अच्छा लगा। तो अभी हमारा मूड बन रहा है कि हम पार्क में जाएं। तो अब हम पार्क की ओर बढ़ रहे हैं, तो कोशिश है हम जल्दी पार्क पहुँच जाएंगे। तो अभी हम फिर से रोड क्रॉस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा आपसे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा डेंजरस होता है, तो मिलता है थोड़ी देर में। हाँ, सो गाइस, हमने फाइनली रोड क्रॉस कर लिया और अब आ गए हम लोग कहाँ पर, रोड की इस तरफ। और क्या लेकिन चलते हैं जल्दी पार्क में और आपको पूरा टूर करवाना भाई पार्क का। हाँ, वैसे हम जिस गली में आए और जहाँ हमारा घर है वो पूरी अब एज अ मार्केट बन गई है। हाँ, यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मार्केट है और क्या ही बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग है। तो गाइस, हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे पार्क में पहुंचने में और हम कोशिश करेंगे कि हम और भी जल्दी पहुंच जाए। तो चलते जल्दी से पार्क में घूमेंगे गाइस, मज़ा आएगा गाइस। कि पार्क में इसलिए घूमना चाहिए क्योंकि वहां पे फ्रेश हवा मिलती है, एसी हवा मिलती है, लेकिन फ्रेश हवा हाँ, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और वहाँ पे फ्रेश ऑक्सीजन मिलती है, प्रकृति की हवा होती है। तो चलो ये वाली गली में घुस चुके हैं और ये वाली गली पूरी खाली है, यहाँ पर आप मतलब खेल भी सकते हो। हाँ, यहाँ पे जितना बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना लो, किसी की खिड़की भी टूटे ना तो पता नहीं लगेगा, कोई बोलने भी नहीं आएगा। तो हे गाइस, हम पहुंचने वाले हैं, बस 100 मीटर और चलना होगा, बस हम पहुंचने वाले हैं। रोड क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि रोड क्रॉस करने में रिस्क होता है। सो हे गाइस, हम पार्क दिखाते हैं आपको, ये है पूरा पार्क। तो हाँ गाइस, यहाँ पर कस्टमाइज भी हुआ है बहुत कुछ, जैसे गेट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होगी, तीन झूले एक भी लगे। पार्क तो पूरा घूमने के लिए है, लेकिन बस ये गेट लग गया आगे से ताकि रात में कोई ना आ सके। ये हम आ गए पार्क में। सो गाइस, अब हम लोग थोड़ा राउंड लगाएंगे ताकि हमारे शरीर का थोड़ा हेल्थी फील हो। हम कोशिश करते हैं कि हम रोज ऐसा करें ताकि हेल्थ हमारी फिट रहे। भाई 10-15 मिनट से भाई मैं दो चक्कर लगाने वाला हूँ, शायद लगा देखते हैं अभी, मतलब लगाएंगे भाई। नहीं लगा पाएगा भाई, 10-15 मिनट में तो नहीं लगा पाएगा, दो तीन चक्कर। देख रहे हैं भाई पार्क कितना बड़ा है। सो गाइस, अभी एक कूल चीज़ सिखानी, मैं तो देखो भाई, मैं तो पार्क में आ चुका हूँ बहुत बार, लेकिन अभी आपको एक कूल चीज़ सिखाते बोले, यहाँ पर जिम भी कर सकते हैं। हाँ, जिम का भी है यहाँ पे, वैसे ही जो नॉर्मली सब पार्क में होता है। मेरे पीछे फॉलो मी, फॉलो मी भाई, फॉलो तो कर ही रहे हैं भाई। गाइस, यहाँ पे एक बहुत ख़ास चीज़ भी है कि यहाँ पे ना नंगे पैर चलने से यहाँ पे ऐसे पत्थर लगे हुए हैं, ये इस टाइप के यहाँ पे ना पत्थर लगे हुए हैं, तो अगर इस पर हम नंगे पैर चलते हैं। मेरे को एक बार चलना है भाई, देखो अभी ये ना तरुण चल रहा है भाई, जूतों मतलब सैंडल का So guys, आपने देखा कि ये तरुण ने कितना करा, बहुत और दर्द हो रहा था। चलो गाइस, अब मैं करने वाला जिम, अब ये कर रहा है ये जिम। गाइस एक बार देखो, बारी बारी से करूंगा, देखो ये क्या कर रहा है, ये तो नहीं करता कर रहा भाई, ये तो वैसे ही बच्चों के लिए होता है, बच्चा नहीं।
ही करते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे वो नहीं होता, अरे मतलब झूले वाला ऐसे ऊपर जाता फिर नीचे, तो वैसे ही लग रहा। ये भी तो बच्चों वाला है, तो कुछ कर थोड़ी रहा है भाई, पैसे ऊपर ही तो जा रहा है। आप बताने बच्चों वाले या बड़े वाले? भाई थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन। अच्छा ठीक है, देखो अब चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर गई आपको ऐसे बैठना और ऐसे मेरे से इतनी हालत खराब हो गई। ये है बड़ो वाला, नहीं ना अच्छा बनाया था ये। अब ये मत बोलना ये बच्चों वाले, ये बड़ो वाला है ठीक है। तो धक्का दे दो, नहीं नहीं अगर तू नहीं थका तो ये बच्चों वाला है। हट जा भाई मुंह छूट जाए। अब इसके आगे तो खत्म ही है, अब चलते हैं। तो गाइस अब चलते हैं घूमने, और गाइस यहाँ पर ना मतलब बहुत सारे लोग लेटे भी रहते हैं, यहाँ पर रिलैक्स करने आते हैं। तो गाइस यहाँ पे बहुत अच्छी हवा भी चल रही है। यहाँ पे जब हम वहाँ से निकले थे म्यूजियम से, टॉयलेट म्यूजियम से, तो एकदम हम पसीना पसीना हो गए थे। तो जैसे यहाँ पे हम घुसे हैं तो बिल्कुल हमारा जो पसीना है वो एकदम सूख गया है, इतना यहाँ पे फ्रेश फील होता है। और गाइस हाँ ये तो था वो जिम, मतलब और वहाँ पर है पार्क मालूम। सो गाइस आगे जो है वो झूले लगे हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि बच्चे कैसे होते हैं, तो झूले सारे तोड़ दिए। सब क्या देखना पड़ेगा ऐसे, लेकिन यहाँ ये वाले इस वाले झूले की बात कर रहे थे ना, जैसे वो ऊपर नीचे नहीं होता सो गाइस अभी तो यहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन शाम को यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, करीब 500 लोग आते हैं यहाँ पे डेली वॉकिंग के लिए, और यहाँ पे बच्चे भी खेलने आते हैं एक्सरसाइज के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ लोग आते हैं पार्क में, और यहाँ पे एकदम फ्रेश फील होता है। और आज दिन के समय पार्क ना पूरा खाली होता है, जैसे कि ये ग्राउंड ना पूरा खाली होता है दिन के समय, तो यहाँ पे हम फुटबॉल टाइप से और क्रिकेट टाइप से हम खेल सकते हैं। और यहाँ पर पेड़ बहुत अच्छे हैं गाइस, यहाँ पर वीडियो मस्त है एकदम, ये देखिए एकदम मज़ा आ रहा है। सो गाइस अब निकलते हैं क्योंकि कहीं मैं तो बहुत ज़्यादा, हाँ क्योंकि आज मैं भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज इसको सरप्राइज देने के चक्कर में मैं भी बहुत थक गया हूँ, और यहाँ से जाने का मन कर रहा है। हाँ यहाँ से ये गया था और हल्का हल्का मैं, अरे अरे ये कह रहा था कि इसके पैरों में हल्का हल्का ये चुभ रहे थे पत्थर। मजा आता है गाइस, आज तो इसको सरप्राइज देने के चक्कर में बहुत ही थक गए, और इसको तो सरप्राइज अच्छा ही नहीं लगा, इसको तो एसी की आवाज अच्छी लगी। नहीं यार अच्छा लगा, इसको तो मैंने सोचा था बस इसको टॉयलेट्स दिखाऊंगा।
और गाइस हाँ यहाँ पर आपको मतलब जाली के जैसे, हाँ यहाँ पे पार्क में यहाँ जाली के जैसे कुछ बने भी हुए हैं शेर, थोड़ा शेर लग रहा है लायन। और हाँ गाइस यहाँ पर पहले मैं आया था तो यहाँ पर जिराफ और बहुत सारे एलिफेंट, बहुत नया। हाँ यहाँ पे ऐसे बैठने के लिए भी बहुत सारी जगह बनी हुई है, मतलब लेट के एकदम रिलैक्स है। हमको पता नहीं निकले 15-20 मिनट तो ये क्या, अरे वहाँ से तो हाँ यहाँ से गेट है। सो गाइस अब हम पार्क से बाहर आ गए हैं। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग, बाय।